जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गौतम लाइव ज्ञान में। यूट्यूब का नंबर वन चैनल फॉर सिक्योरिटी नॉलेज, सिक्योरिटी ज्ञान चाहिए अभी के अभी, गौतम लाइव ज्ञान कहिए। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है उसमें हमारा टॉपिक है ड्यूटीज ऑफ एरिया ऑफिसर में बिलिंग। बिलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर इसको आप समझ गए तो समझ लीजिए आपने 50% काम कर लिया। कभी आप ट्राई कीजिए 1 से 5 के बीच 5 तारीख के बीच कभी किसी एरिया ऑफिसर को कॉल कीजिए, आपको वो एरिया ऑफिसर बिजी दिखेगा। कहां बिजी रहता है वो? तो फंसा होता है बिलिंग में। ये टाइम है जब एरिया ऑफिसर बिलिंग प्रोसेस में कंप्लीटली इन्वॉल्व होता है, तो इसलिए आपको वो हमेशा बिजी दिखेगा, ठीक है ना। इसको एक्सप्लेन करें, इसमें आगे बढ़े इससे पहले एक हमने टूल लॉन्च किया, इसका नाम है PDF 21। उसके बारे में जरा कंफ्यूजन हो गया हमारे यूट्यूब फैमिली को, तो कंफ्यूजन ये है कुछ लोग इसको कोर्स समझ रहे हैं। तो बेटा ये कोई कोर्स नहीं है, ये है प्रैक्टिस टूल। क्या है ये? प्रैक्टिस टूल है ये। हमारे बहुत सारे भाई बहन हैं, लगभग सभी 8 या फिर 12 घंटे की शिफ्ट में काम करते हैं, अगर ट्रैवलिंग का टाइम ऐड करते तो अपने लिए कुछ खास टाइम नहीं बचा पाते। तो ऐसे ही हमारे भाई बहनों के लिए हमने ये टूल लॉन्च किया है, जिसमें हमने क्या किया है, एक टॉपिक लिया है, उस टॉपिक से संबंधित KBC मॉडल पे जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं, जिसको बोलते हैं MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, हमने प्रिपेयर किए हुए हैं, ताकि क्या करें, जो घंटों का काम है ना, बार बार बैठ के पढ़ के परेशान हो, आप क्या कीजिए, बस इस टूल को आप क्या करें, पढ़ना है आपको, टिक मार करना है आंसर। ऐसे बड़े आसानी से आप घंटों का जो मेहनत था मिनटों में करके बड़ी आसानी से जटिल कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स टॉपिक को आप कवर कर सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं उसकी, और उसके बारे में डिटेल में जान सकते हैं, क्योंकि हम लोग कुछ भी छोड़ा नहीं है। एक एक जो क्वेश्चन हो सकता है ना, वो सब निचोड़ लिया उसके अंदर से। तो एक PDF में कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये 40 से 50 क्वेश्चन आपने कवर कर लिए तो मतलब आपकी उस कॉन्सेप्ट पे अच्छी पकड़ आ जाएगी। इससे क्या होगा, टाइम कम और आउटपुट ज्यादा है। तो एक PDF 21 में एक कॉन्सेप्ट है, जैसे एक कॉन्सेप्ट हम ले लीजिए एक्सेस कंट्रोल। ऐसे किसी भी टॉपिक पे आप हमसे PDF 21 की डिमांड कर सकते हैं। अगर आप 5 PDF 21 मंगाएंगे तो उसकी प्राइस होगी 99 रुपीज, ठीक है ना। अगर आप एक मंगाते हैं तो उसकी प्राइस है 21, इसीलिए नाम है PDF 21। तो स्क्रीन पे दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए आपकी डिटेल, और आपको कौन सा टॉपिक चाहिए वो सेंड कर दीजिए, हमको PDF तुरंत ही प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो आई होप आपको PDF 21 के रिलेटेड जो भी डाउट्स है वो सारे क्लियर हो गए। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में, ड्यूटीज ऑफ एरिया ऑफिसर बिलिंग में। तो फ्रेंड्स, बिलिंग में पहले टर्म समझ लीजिए, बिलिंग साइकिल। अभी बिलिंग साइकिल क्या होती है, आपके पास जो साइट्स होंगी फ्रेंड्स, उन साइट पर आप देखेंगे तो बिलिंग साइकिल होता है, वो होता है 1 से 30 का या फिर 25 से 25 का। जनरली हम लोग देखेंगे तो वो होता है 1 से 30 का। नॉर्मली जितनी भी साइट्स आपको मिलेंगी उसमें आपको 1 से 30 का ही साइकिल मिलेगा, लेकिन कहीं कहीं 25 से 25 का भी साइकिल है। तो एरिया ऑफिसर की जिम्मेदारी है वो समझे कि वहां का बिलिंग साइकिल क्या है, जितने भी साइट्स आपको मिली है। बिलिंग साइकिल आप समझ गए, अब क्या करना है देखिए, सिंपल सी चीज है। क्या करना है आपको, आपके जितनी भी साइट्स है, जैसे ही 30, अगर ये 30 वाला टाइम है ठीक है ना, तो जैसे ही 30 आ गया क्या करना है, सारे साइट्स पर आपको अटेंडेंट शीट प्रिपेयर करवा लेनी है। एक बार अटेंडेंट खुद शीट जो है खुद वेरीफाई कर लो, उसके बाद क्या करो, क्लाइंट के पास भेज दो स्टैम्प और साइन के लिए। क्लाइंट ने अगर स्टैंप और साइन दे दिया, इसका मतलब क्या हो गया, वो आपका अटेंडेंट शीट अप्रूव्ड हो गया। अब ऐसी अटेंडेंट शीट को बोलते हैं अप्रूव्ड अटेंडेंट शीट। अब ये अप्रूव्ड अटेंडेंट शीट क्या करना है, आपको आपके अकाउंट मतलब बिलिंग डिपार्टमेंट को सबमिट करना है। जैसे ही आप उसको सबमिट करेंगे क्या होगा, आपकी बिलिंग डिपार्टमेंट उसी अटेंडेंट शीट को आधार बनाकर एक बिल जनरेट करेगा। बिल जैसे ही आपको मिल जाएगा, अब क्या करना है, तो बिल को आप वेरीफाई कर लीजिए, चेक कर लीजिए, कहीं कुछ डाउट्स है, कुछ आपको प्रॉब्लम नजर आ रहा है, तो आपके ब्रांच में एक अकाउंटेंट होता है, उस अकाउंटेंट से डिस्कस कर लीजिए। अगर सब कुछ सही है तो फिर आपको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ के क्या करना है, तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने पड़ेंगे। जैसे ऐसी कंपनियां जिस कंपनी में 10 या उससे ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं, ऐसी कंपनी को ESIC के अंडर में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है।
ठीक है ना, तो उसको ईएसआईसी चालान ईएसआईसी पेमेंट करना पड़ता है ईएसआईसी को। जैसे आपके यहाँ 10 इंप्लॉई है तो 200 रुपया कट किया तो कितना हो गया 2000 रुपया। तो आपकी जो भी कंपनी कंपनी है बंकू भैया एंड भूतनाथ कंपनी, बंकू भैया और भूतनाथ कंपनी को करना पड़ेगा 2000 हर महीने ईएसआईसी को पेमेंट करना पड़ेगा। सेम ऐसे ही है, अगर आपके कंपनी में 20 या 20 से अधिक एम्प्लॉय काम करते हैं तो आपका पीएफ में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। आपको जितने भी एम्प्लॉय आपके अंडर में काम करते हैं उनका पीएफ सबमिट करने का पड़ेगा मंथली। तो जब आप पेमेंट करोगे तो आपको एक चालान पेमेंट के तौर पे मिलेगा क्योंकि आपने पेमेंट वगैरह कर दिया है, तो ये चालान आप ले लीजिए। फिर आप भाई इंडिया में मोदी जीएसटी कंपलसरी कर दिए हैं तो जीएसटी तो भरना ही पड़ेगा। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन आप कर रहे हैं तो जीएसटी आपको भरना है, तो आपको क्या मिलेगा जीएसटी पेमेंट रिसीव। फिर आपको पीटी मतलब प्रोफेशनल टैक्स, अगर आपकी सैलरी 15 या उससे ज्यादा है तो आपको प्रोफेशनल टैक्स मतलब इनकम टैक्स है ये आपको पे करना पड़ता है, जो नॉर्मली होता है 200 रुपए, फरवरी के माह में हो जाता है 300 रुपए, तो ये आपको भरना पड़ेगा, ये आपकी कंपनी को भरना पड़ेगा। तो ये सारा जो आपका पेमेंट है ये कंपनी भरती है मंथली बेसिस पर और उसको रिसिप्ट मिलता है, ये सारा करना है आपको इसमें अटैच कर लेना। कहीं कहीं पे एग्रीमेंट भी मांग लेते हैं, ठीक है ना, हर महीने आपको एग्रीमेंट जमा करना है, एक कॉपी आप हमेशा अपने पास रखिए। अगर ऐसी कोई साइट है जहां पे डिमांड कर रहे हैं एग्रीमेंट की तो वो अपने पास हमेशा एक कॉपी रखिए, उसका जेरोक्स निकालिए और हमेशा इन सारे डॉक्यूमेंट को लेकर अटेंडेंट शीट से अटैच कर दीजिए और सबमिट कर दीजिए। देखिए जो आपका बिल है ना उसकी दो कॉपी होती है, एक होती है रिसीविंग जिसको बोलते हैं डुप्लीकेट कॉपी, एक होती है ओरिजिनल। तो ओरिजिनल सबमिट कर दीजिए आपके क्लाइंट के पास, ठीक है ना, और उससे रिसीविंग पे स्टैंप और साइन ले लीजिए, इससे कंफर्मेशन हो जाता है कि आपने बिल दे दिया है। फिर ये रिसीविंग जो कॉपी है आपकी कंपनी का ट्रेंड देख लीजिए, कई बार ये एयर ऑफिसर खुद फाइल करते हैं और कई कंपनी में होता है कि अकाउंटेंट के पास जमा करना होता है। अगर अकाउंटेंट पास की जमा कर रहे हैं तो एक डिटेल हमेशा आप रखिए, आपका जो ग्रुप वगैरह है व्हाट्सएप का उसमें शेयर कर दीजिए कि फलाना एंड ढिमका को हमने ये बिल एंड रिसीविंग दिया हुआ है, ठीक है, इतने इतने रिसीविंग आपको दिए। रिसीविंग होने से क्या होता है, क्लाइंट मना नहीं कर सकता हमारे बिल नहीं है, भैया रिसीविंग पे तेरी साइन है तेरा ही डेट है फिर कैसे नहीं दिया, बराबर है। तो इससे इसका फायदा होता है आपको रिसीविंग, तो रिसीविंग हमेशा आप लेके फाइल कीजिए या फिर अकाउंट के पास सबमिट कीजिए और डिटेल हमेशा अपने पास रखिए। तो इससे क्या होगा, आपको क्लियरिटी आ जाएगी कि आपने कितना बिल कितने क्लाइंट को बिल पहुंचा दिया है और कितने का पेंडिंग है, जिससे आप जो दूसरे दिन बचेगा दूसरे दिन में बाकी जो बिल वगैरह बचेंगे आप दूसरे दिन उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे ही आपका ये साइकिल कंप्लीट हो गया अब क्या करना है, पेमेंट का फॉलोअप। तो आपके पास तीन तरह के क्लाइंट होंगे फ्रेंड्स, ठीक है ना, जो क्लाइंट होंगे एक होगा रेड, एक होगा येलो, एक होगा ग्रीन। नीचे शुरू करते हैं, तो ग्रीन मतलब ऐसा क्लाइंट है कि मतलब आपने बिल सबमिट किया और आपको पेमेंट नेक्स्ट डे अपने आप आ गया, मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्ट में डेट दिया था उस पे पेमेंट आपका आ गया बिना किसी मेहनत के। येलो वाला, अरे तिवारी जी महाराज यार पेमेंट जरा देखिए, बिल सबमिट किए 2 दिन हो गया है, कॉल किया ठीक है देख रहे हैं भैया देखिए चेक कीजिए आ गया, हाँ हाँ आ गया आ गया, ये क्लाइंट। अब ये वाला ऐसा है कि जाके आप जापना पेमेंट, हाँ ठीक है देख रहे प्रोसेस में, जापना पेमेंट हाँ हाँ देख रहे प्रोसेस, अरे वो मधुकर भंडारकर ने साइन नहीं किया उसकी प्रिंट फ्लॉप हो गई ना। अबे मधुकर भंडारकर से क्या मतलब है, समझ रहे बात। तो ये क्लाइंट वो क्लाइंट है जो पेमेंट मतलब करता नहीं, बहुत डिले करता है। तो बस आपको यहां के डेली हाजिरी देनी है, जो भी आपको यहां से स्टेटस अपडेट मिलेगा वो आपके ऑपरेशन मैनेजर को या फिर आपका रिपोर्टिंग डायरेक्ट इंचार्ज को है ब्रांच इंचार्ज को, तो उनको आप इन्फॉर्म कर दीजिए। यहां पे कोई भी लड़ाई झगड़ा वगैरह आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, स्टेटस लेना है फॉलोअप लेना है, जो आपको जानकारी मिलेगी अपडेट कर देना है, ठीक है ना। अगर यहां से पेमेंट नहीं निकाल पाते हैं तो बड़ी कंपनियों में एक डिपार्टमेंट होता है रिकवरी डिपार्टमेंट, तो ये क्या करता है फिर बाउंसर लेके जाता है बैठता है, भैया क्या तकलीफ है दोगे की कूटे तुमको, तो कभी कभी बाउंसर दिखा के डरा के धमका के भी पेमेंट निकल जाता है। और फिर एक्सट्रीम केस में क्या होता है, फिर प्रॉपर्टी वगैरह जब्त कर ली जाती है क्लाइंट की, दिवाली वाला हो गया तो कोर्ट में लीगल नोटिस वगैरह भेज के थोड़ा केस चलता है, फिर क्या होता है अभी भाई रिकवरी तो करनी है जितना भी हो सके तो उतना रिकवरी कर लेते हैं। तो ये एक्सट्रीम केस है, कहीं कहीं होता है, नॉर्मली धराई धमकाई तक काम हो जाता है। एक चीज ध्यान देखिए फ्रेंड्स,
जो छोटी कंपनियां होती हैं उसमें पेमेंट का कैसा होता है, सारा कुछ एरिया ऑफिसर को देखना पड़ता है, वहां पे रिकवरी डिपार्टमेंट नहीं होता, सारा का जो जिम्मा होता है एरिया ऑफिसर ऑपरेशन मैनेजर का होता है, तो दोनों को मिलकर काम करना पड़ता है। एक्सट्रीम मतलब बस वही दोनों है, वही कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको देखना होगा आपकी कंपनी का लेवल क्या है, वो छोटी कंपनी है फिर बड़ी कंपनी है, बड़ी कंपनी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना, छोटी कंपनी है तो आपको खुद ही सब जाके करना पड़ेगा। तो ये भी चैलेंजिंग है, मजा आता है इस भी काम को ना, और ये इससे डील करने से क्या होता है, आपको बहुत सारा अनुभव मिलता है, ऐसे लोगों से डील करना है, क्या बोलना पड़ता है, क्या सुनना पड़ता है, सब कुछ आपको यहाँ पे मालूम पड़ जाता है। तो आई होप आपको ये ड्यूटीज ऑफ एयर ऑफिसर बिलिंग साइकिल वगैरह बिलिंग सबमिशन सब कुछ समझ में आ गया होगा। कुछ डाउट्स है आपका तो कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट कीजिए, पूछिए, हम आपको वहां पे आंसर करेंगे, अदरवाइज एक नया वीडियो बनेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।